आज जो है जगह जगह जो है कांग्रेस प्रचार कर रही है कि हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब। मैं उनसे कहती हूँ पहले अपने होटल क्षेत्र का तो हिसाब दे दो, हरियाणा का हिसाब बाद में पूछ लेना जी। ये टिकट वितरण जो है सर्वे के आधार पे नहीं हुआ है और इसी वजह से चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो हमारे बीजेपी है उसमें बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं। जो मुझे बांसुरी का चुनाव चिन्ह मिला है मैं तो ये कहती हूँ कि हाँ मुझे तो परमात्मा की टिकट मिल गई है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है, अब कहें तो चुनावी बेला है, चारों तरफ चुनावी रंगों से सरोवर लोग हैं, चाहे वो फिर राजनेता हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता हैं, चाहे वो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं और चाहे फिर आम जनता, सबकी रुचि ये है कि सब देखना चाह रहे हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है। जब मैंने आपसे चुनावी रंगों की बात की तो फिर ब्रज क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को मिलाता है आप उसको भूल नहीं सकते। अगर ब्रज की बात करते हैं तो फिर याद आते हैं भगवान कृष्ण, याद आते हैं रंग यानी कि होली के रंग। ब्रज की बात करते हैं तो फिर याद आती है वो मिलीजुली संस्कृति जो वृंदावन मथुरा से चलकर होडल से होते हुए पूरे हरियाणा में जाती है। अपनी चुनावी यात्रा में आज मैं होडल में हूँ, विधानसभा क्षेत्र होडल, और होडल में मेरे साथ मौजूद है यहाँ से चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी नवीन रोहिला। रोहिला जी आपका स्वागत है देश रोजन। नमस्कार, चुनावी यात्रा कैसी चल रही है? देखिए हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी तो जो है जनता बताएगी कि क्या है उनका। नवीन जी आप जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है लगभग पिछले 4-5 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे थे आप। अधिक टाइम हो गया, ज्यादा टाइम हो गया, 4-5 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया। इस चुनाव में जब शुरू हुआ था यानी कि 2019 का चुनाव खत्म हुआ और मुझे लगता है साथ साथ यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकी, चाहे मुझे टिकट मिली या नहीं मिली। हाँ। लेकिन मैं एक दिन भी नहीं रुकी हूँ और लगातार मेरा जनसंपर्क जो है चलता रहा है, चाहे मेरे क्षेत्र के लोगों के सुख दुख की कोई बात है, चाहे अन्य कोई गतिविधियां हैं जहां मैं उनको सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं उनके साथ जो है हमेशा उनके सुख दुख में खड़ी रही हूँ। और जो है मेरा ऐसा मानना है कि ये हवा हवाई की राजनीति जो करते हैं कि भाई उस जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उसी समय निकल के आते हैं और झूठे वादे कुछ किए और उसके बाद जीतने के बाद या कुछ बनने के बाद जो है अपना सत्ता के सुख के लिए सिर्फ जो है सत्ता भोगते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है और आज मैं जिस लायक हूँ मेरी कोशिश होती है कि भाई मैं आज जितना कर सकती हूँ आज मैं करूँ मैं जनता के लिए और कल को परमात्मा या हमारे क्षेत्र की जनता जैसा आशीर्वाद देती है आएंगे उसके हिसाब से आएंगे, उस पर आएंगे। अभी आपने बात की थी टिकट की, 2019 में भी आप ट्राई में थे टिकट की, 2024 के लिए आपने प्रयास ये किया कि टिकट की ट्राई भी की और अपना काम भी किया, दोनों काम आपके साथ चलते रहे। राजनीतिक दल टिकट को आखिर इतना बड़ा औजार कह दूं या इतना बड़ा हथियार कह दूं या क्यों बना देते हैं, और कई बार क्या टिकट वितरण के क्राइटेरिया जो होते हैं, क्योंकि आप राजनीति करने के साथ साथ आप प्रोफेसर रही हैं, आप प्रिंसिपल रही हैं, शिक्षाविद रही हैं, और एजुकेशनिस्ट व्यक्तित्व जो होता है वो बड़े पास से समझ सकता है हर चीज़ को। आपने क्या देखा इस दौरान में जो टिकट वाला खासकर इशू मैंने आपसे बात करा? देखिए ऐसा है 2019 में भी जितने सर्वे हुए थे उसमें नंबर 1 पोजीशन पे थे हम अगर सर्वे के आधार पे टिकट मिलती तो, और इस बार भी जितने भी सर्वे हुए हैं उसके हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पे हम थे और टिकट भी ऑलमोस्ट फाइनल ही थी। लेकिन वो एंड टाइम पे जाके क्या क्राइटेरिया चेंज हुए हैं वो तो जो है अपना जो भी पार्टी में जो टॉप लीडर्स हैं ये तो उनको बेहतर पता है, पर मुझे ये पता है कि मैं फिलहाल उस वक्त भी पार्टी में नहीं थी, आज भी पार्टी में नहीं हूँ। बिना पार्टी को ज्वाइन किए हुए जो मेरा नाम सबसे ऊपर चल रहा था नंबर 1 पोजीशन पे वो मैं नहीं थी, वो हमारे क्षेत्र की जनता की आवाज़ थी जी।
जो कि लगातार सर्वे के माध्यम से जो है नंबर वन पोजीशन पे हमें पहुंचा रही थी। और राजनीतिक पार्टियों का तो मैंने अक्सर यही देखा है कि उनके सबसे पहला काम जनता की आवाज़ को दबाना ही होता है कि वो जो है जनता की आवाज़ को दबा दो, कोई ऐसा कहीं प्रत्याशी ना निकलाए जो कि जनता के मुद्दे उठाए और जनता के हक की बात करे। तो ऐसे प्रत्याशी तो उन्हें चाहिए ही नहीं होते, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, सभी का यही हाल है, चाहे इनेलो हो चाहे सबका यही हाल है। उनको जनता की आवाज उठाने वाला बनता नहीं चाहिए, ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए, सरेंडर करने वाले लोग चाहिए। बिल्कुल, उनको सरेंडर करने वाले लोग चाहिए, उनको प्रश्न पूछने वाले लोग नहीं चाहिए। और जबकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जब तक जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं ऐसे नहीं होंगे कि वो सवाल पूछ सके। आज जो है जगह जगह जो है कांग्रेस प्रचार कर रही है कि हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब। मैं उनसे कहती हूँ पहले अपने होडल क्षेत्र का तो हिसाब दे दो, हरियाणा का हिसाब बाद में पूछ लेना जी। तो जो है वो अपने क्षेत्र का भी हिसाब नहीं दे पा रहे, हरियाणा का क्या हिसाब जो है मांगे, अपने कार्यकाल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। तो जनता को गुमराह करना और फिर उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं अपने मनमानी तरीके से सरकार चलाना, ये जो अब तक पार्टियों की नीति रही है, चाहे वो नाम अलग अलग हो सकते हैं पार्टियों की, लेकिन इस मामले में सब पार्टियां जो है एक जैसी नजर आती हैं जी। ये टिकट वितरण जो है सर्वे के आधार पर नहीं हुआ है और इसी वजह से चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो हमारी बीजेपी है, उसमें बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो इस बार हर सीट पे खड़े हुए हैं और उनमें हम भी हैं। तो ये जो निर्दलीय प्रत्याशी इतने सारे खड़े हुए हैं, ये जो है आगे आने वाले समय में, मतलब कि आप ये मानिए कि सरकार जो हरियाणा में आएगी वो किसी एक पार्टी की मेजोरिटी से नहीं आने वाली, निर्दलीय जिसे चाहेंगे उसे बनाएंगे। चलिए टिकट की बात कर रहे थे, एक बार वही सवाल और उसके बाद आगे चलेंगे। आपने कहा कि पार्टियों वाला तो जनता की टिकट आपको मिल गई और जनता के टिकट पर आप बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप ये देखिए कि जनता, हम तो उस वक्त भी निर्दलीय थे आज भी निर्दलीय हैं, राधा अष्टमी वाले दिन हमने नामांकन किया, आप इसे आप इत्तेफाक मान लीजिए चाहे जो है उस प्रभु की लीला मान लीजिए। राधा अष्टमी का वो दिन था जब हमने नामांकन किया अपना और जो है हमें सिंबल भी मिला, तो वो हमें मिली बांसुरी। बांसुरी जो कि हर ब्रिजवासी के दिल की धड़कन है, हमारा मान सम्मान है, हमारा वो चिन्ह जो कि हमारे श्री कृष्ण जी का भी है जो है। तो आप ये देखिए हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे गोविंद प्रकट हुए थे अष्टमी वाले दिन जी, हमारी राधा रानी प्रकट हुई अष्टमी वाले दिन जी। और सबसे बड़ा अचंभा ये है कि जो हमें चिन्ह मिला है बांसुरी का, वो बैलेट पेपर पे 8 नंबर पे ही है हाँ। और रिजल्ट आना है इस चुनाव का, वो भी 8 तारीख को ही है हाँ। सन 2024 को जब आप जोड़ते हैं तो भी आपको संख्या 8 ही प्राप्त होती है जी। जो हमारे ज्योतिषाचार्य है ना, वो कहते हैं कि जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये जो संख्या 8 है, शनि देव की जो है वो है संख्या है, और शनि देव हमारे न्याय के देवता हैं जी। तो जो है तो उसमें आपको जो है, आपको मैं बताऊं कि ईश्वर की तरफ से एक ना दूध का दूध पानी का पानी, न्याय की स्थिति उत्पन्न होती है। बांसुरी में जो हॉल होते हैं वो भी 8 होते हैं हाँ, बांसुरी में बिल्कुल बिल्कुल जो उसमें छिद्र होते हैं वो भी 8 ही होते हैं। तो वो जो है आप ये सारा कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें कोई मेरा तो बोल है नहीं, 8 का तारतम्य ऐसा मिला दिया है। मैंने नहीं मिलाया इसमें, मेरा कोई देखिए मेरा कोई रोल नहीं है। अगर श्री कृष्ण जी अष्टमी वाले दिन प्रकट हुए उसमें मेरा क्या रोल, ठीक बात है। राधा रानी जी अगर अष्टमी वाले दिन प्रकट हुई मेरा क्या रोल, मेरे को बांसुरी का सिंबल मैंने अप्लाई किया था, लेकिन वो बांसुरी का सिंबल कहीं और भी तो जा सकता था, वो मुझे ही क्यों मिला। और फिर मिला तो वो 8 नंबर पे ही क्यों आया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर जो है चुनाव का रिजल्ट 8 तारीख को आ रहा है तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर संख्या 2024 साल 2024 को जब हम जोड़ते हैं संख्या 8 प्राप्त हो रही है तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये सारी लीला परमात्मा की है जी, परमात्मा अपनी लीला करने जा रहा है। 8 का साथ है वो सीधा है। देखिए ऐसा है कि मुझे अर्जुन के जो है कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं एक कविता की, जो कि उसमें बताया गया है हमारे अर्जुन जी जो है वो बोलते हैं, कहते हैं वो कि कहते हैं हम तो खड़े थे श्री कृष्ण के चरणों में, हम तो खड़े थे श्री कृष्ण के चरणों में, कृष्ण हमको मिल गए जी।
और वो नारायणी सेना लेकर भी हर युद्ध में विफल रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो पंक्तियां हैं अर्जुन की वो सत्य होने जा रहे हैं। ब्रज का क्षेत्र हो, होडल हो, आध्यात्मिक बात ना हो, आपने शुरू कर दी, आगे मैं बढ़ाता हूँ इसको। अच्छा जी, आपने अभी बोला कि भगवान श्री कृष्ण उनकी नारायणी सेना, अगर मैं इसको मान लूं तो भगवान कृष्ण के रूप में आप मान लें उस पार्टी को जहाँ टिकट मांग रहे थे। अच्छा, नारायणी सेना मान लें जो उनके वर्कर्स हो गए। अच्छा, तो नारायणी सेना का सहयोग मिल रहा है कुछ क्या? देखिए ऐसा है, मैं बताती हूँ आपको जी। जहाँ स्वयं श्री कृष्ण खुद मौजूद होते हैं वहाँ पे नारायणी सेना की जरूरत ही नहीं होती है। पता नहीं कितनी नारायणी सेना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है श्री कृष्ण वो नहीं है, पार्टी नहीं है, पार्टियां तो खुद श्री कृष्ण के चरणों में आके जो है धोख लगाती हैं, जब कहीं फंस जाती हैं तो हे भगवान बेड़ा पार कर दे, ठीक है ना। वो श्री कृष्ण नहीं है, उनकी श्री कृष्ण से तुलना करना बिल्कुल गलत है। जहाँ पे आप संकेत समझिए, जहाँ पे श्री कृष्ण अपना संकेत दे रहे हैं कृष्ण वहां है जी। जहाँ अच्छा अपने चिन्ह जहाँ दे रहे हैं श्री कृष्ण वहाँ है। ये जितनी राजनीतिक पार्टियां ये तो आके उनके चरणों में लेटती है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। चलिए मैं आपके सिंबल पे आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बांसुरी का आपको चुनाव निशान मिला है। हाँ जी, हाँ जी। बांसुरी प्रेम का प्रतीक है। बिल्कुल, बांसुरी सद्भाव का प्रतीक, उल्लास का, प्रेम का, उल्लास का प्रतीक है। बिल्कुल, बांसुरी पर्व का प्रतीक है। बिल्कुल, बांसुरी एक और प्रतीक है। हाँ जी, जब कालीनाथ का वध करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनके फन पर खड़े होकर जो नृत्य होता है वो एक संदेश है सृष्टि को। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया ये 8 की जो संख्या है इसका आंकड़ा आप देखिए जी, शनि देव की संख्या है, ठीक है। और ये 8 नंबर पापियों के, दुष्टों के ऊपर भारी पड़ने वाला है इस साल जी। और कालिया के ऊपर तो श्री कृष्ण इस बार भी उसके फन पर जो है नृत्य करेंगे और बांसुरी बजेगी। यानी कि जो आतंक, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारी जनता को उनका हक मिलेगा जी। और जितने भी पापी हैं जो कि हमारे क्षेत्र की जनता का हक अब तक मारते आए हैं, उनको गुमराह करते आए हैं, उन सबके लिए ये जो 8 नंबर है जो कि हमारे श्री कृष्ण का भी है, जो कि हमारी बांसुरी का भी है, हमारी राधा रानी का भी है और शनिदेव का भी है, वो तैयार रहे, वो पापियों के ऊपर जो है बहुत भारी पड़ने। चलिए, चुनाव चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। चुनाव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक बात और होती है। हाँ जी, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में, अगर मैं कहूँ 1-1.5-2 दशक में, इससे पहले की जो राजनीति थी, जब लोग चुनाव मैदान में होते थे, भावनाएं तब भी होती थी, इमोशनल तब भी हुआ करता था, लेकिन आजकल एक नया चलन चल पड़ा है। क्या? अगर टिकट कटेगी तो रोएंगे। अच्छा, टिकट मिलेगी तो रोएंगे। अच्छा, जनता के बीच में जाएंगे तो रोएंगे। अच्छा, जनता से वोट मांगेंगे तो रोएंगे। अच्छा, आडंबर करेंगे। अच्छा, कितना ठीक मानते हैं इसको? मैं कुछ नेताओं को देखता हूं, कभी वो किसी के चरणों में। मैं आपको बड़ा इस बारे में बड़ा क्लियरली मैं बताऊं, और ये बात जनता को भी समझनी चाहिए, राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है जी। हम कह देते हैं नेता, अभी नेता ना बने वो जी, ठीक है ना, नेता है तो नेता बन के वही रहे। और जो है, अगर आपने वाकई ही अगर राजनीति करनी है, जमीनी स्तर पे जुड़े, जनता से जुड़े, जनता के सुख दुख, किन परिस्थितियों में जनता रह रही है, किन परेशानियों का वो रोज सामना कर रही है, उससे उनको अवगत होना पड़ेगा, अवगत होना चाहिए। और यदि वो जीत के जाते हैं जब विधानसभा में, तो उसके बाद जनता के हक की बात भी उठानी चाहिए, ये उनका नैतिक दायित्व भी है। इसके लिए उनको बकायदा तनख्वाह दी जाती है, जनता की बात उठाने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए। अगर जो नहीं करता यह काम, तो वो अपने आप से भी गद्दारी कर रहा है और जनता से भी गद्दारी कर रहा है। ये बात क्षेत्र की जनता को समझनी होगी, हमारे सभी देशवासियों को समझनी होगी, चाहे वो इस गद्दारी को आडंबर बना के जो है पेश करे, चरणों में लेट के, किसी के जगह जगह हाथ फैला के या रो धो के उस गद्दारी को वो ढकने की कोशिश करते हैं कि भाई ताकि उनका असली रूप ना पहचाना जाए, ये बात लेकिन क्षेत्रवासियों को, हमारे देशवासियों को समझनी होगी कि कहीं जो है
भेड़िया तो नहीं है इसके अंदर जो ये करके आ रहे हैं, जो ये आडंबर करके आ रहे हैं। नम्र होना अलग बात है, पोलाइट होना अलग बात है, लेकिन आडंबर अलग, आडंबर अलग बात है। इस आडंबर से बचना है, और जो जितना ज्यादा आडंबर कर रहा है आज के टाइम में, तो आप ये मान के चलिए इसके मतलब वो अपनी असलियत छुपा रहा है जी, तभी उसको इस आडंबर की जरूरत पड़ रही है। अदरवाइज तो जो है जनता के जो बीच में लगातार जुड़ा हुआ है, जनता के बीच में जिसका रूटीन का काम है जाना और जनता के हक की बात कर, उसको तो इस आडंबर की जरूरत ही नहीं। लोगों के बीच में जा रहे हैं आप, हाँ जी, लोगों से वोट की अपील भी कर रहे बिल्कुल हैं, कर रहे हैं, लोगों से वायदा भी कर रहे होंगे, लोगों से देख भी रहे होंगे। पिछले 3 या 4 दशक का अगर मैं कहूँ तो एक चलता रहा कि उदयभान एंड जगदीश नायर, बीच में एक टर्म था 91 का उदयभान वर्सेस रामरतन, उसके बाद में उदयभान वर्सेस जगदीश नायर, और अब उदयभान वर्सेस रामरतन का बेटा, ये हुआ है, यही चेंज है बस, सिर्फ बस यही चेंज, इसके अलावा कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है। सत्ता में भी उदयभान जी काफी समय रहे, बिल्कुल रहे हैं, 4 बार विधायक रहे, सरकारें भी रही, समर्थन भी दिया, सरकार से दूर भी रहे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की बात करता हूँ तो जगदीश नायर जिम्मेदारी से पीछे नहीं हो सकते, सत्ता में रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, सब कुछ रहे। अगर मैं हरेंद्र की बात करता हूँ जिनके पास बीजेपी का टिकट है, रामरतन जी के बेटे, तो वो भी सत्ता में प्रत्यक्ष भी रहे और परोक्ष भी रहे। 2014 से और 2024 तक कृष्णपाल गुर्जर जी के सबसे नजदीकी लोगों में मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि होडल की जनता जो कुछ हुआ पिछले 4 दशक में 3 दशक में विकास के मामले में, या और सभी अगर चहुमुखी विकास की बात आती है, आधारभूत संरचना की बात आती है, आपको कितना संतुष्ट दिखाई देते हैं लोग? देखिए, जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो है इलेक्शन के टाइम पे उनको बरगलाया जाता है और वो इनके बहकावों में आ जाती है। आज उनको इसी चीज की जागरूकता की जरूरत है कि वो जागरूक बने, जिन लोगों को वो पहले मौका दे चुके हैं, यदि उन्होंने कुछ काम करवाना होता, उनके हक की बात करनी होती, तो उनको जब दिया गया था समय, उन्होंने तब नहीं किया, तो वो अब कैसे कर देंगे, अब उनके ऊपर दोबारा विश्वास कैसे किया जाए। अब तो वो स्थिति है कि भैया मांगने से हक नहीं मिलने वाला, अब तो छीन के लेके आना पड़ेगा, अब तो हक छीन के लाने की बात है। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। एक तो जो है हम लगातार जनता के बीच में कई सालों से जुड़े हुए हैं, बच्चा बच्चा हमें पहचानता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें टिकट मिली या नहीं मिली। जो मुझे बांसुरी का चुनाव चिन्ह मिला है, मैं तो ये कहती हूँ कि हाँ, मुझे तो परमात्मा की टिकट मिल गई है जो है। और सबसे बड़ी बात ये, इतना पवित्र और इतना सुंदर चुनाव चिन्ह पूरे हरियाणा में किसी के पास नहीं है जितना कि जो मेरे पास है। ये तो मैंने कह दिया, हाँ जी, हाँ जी, बांसुरी का अलग। और जितना मैं कहती हूँ कि जितना मैं बांट सकती हूँ प्रसाद रूपी अपना चुनाव चिन्ह और श्री वृंदावन बिहारी का जो है भेंट स्वरूप, लोग कहीं पे भी जाते हैं खुश हो के, जो है उसको भेंट को स्वीकार करते हैं जी। और जो है एक उल्लास बन जाता है जहाँ कहीं पे भी हम जाते हैं। एक तो ब्रिजवासी है, मैंने बताया आपको पहले ही, जो बांसुरी है हमारी, ये हमारे ब्रिज के लोगों के दिल की धड़कन है जी। आन बान शान है जी। और हम ब्रिजवासी इसका अपमान नहीं होने देंगे किसी राजनीतिक पार्टी के सामने, हम जो है ये बांसुरी को झुकने नहीं देंगे। चलिए अंतिम सवाल, हाँ जी, होडल की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे विशेष? हाँ बिल्कुल, मैं होडल की जनता से अपील करना चाहूंगी कि ये समय जागरूकता का है, जिन लोगों को वो पहले आजमा चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चाहे बीजेपी के हैं, बीजेपी के हालांकि नाम बदल के आए हैं, हरेंद्र रामरतन जी उनके पिताजी को भी आप जो है मौका देके देख चुके हैं, लेकिन कार्य किसी के भी नजर नहीं आते हैं, तो मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगी किसी भी तरीके के धोखे से वो बचे। और सबसे बड़ी बात ये, जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसके पास अपनी टांगे तो है ही नहीं चलने के लिए, तो वो तो अपील तो वो जो है हमारे जो है या तो पार्टी के बिहाफ पे या फिर जो है अपना तो कुछ है ही नहीं उसका जमीन पे जी। पैर ना होने का मतलब जमीन पे नहीं है, वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा ही नहीं हुआ। वो अपील या तो जो है हमारे सांसद साहब के लिए करता है या फिर जो है माध्यम से करता है या फिर जो है अपना पार्टी के माध्यम से करता है, जो है उसका तो अपना कोई वजूद है ही नहीं है क्षेत्र में।
तो इस बात को जो है उनको समझना होगा जी। और मुझे ये पूरा विश्वास है, जिसे कहते हैं कि हम अपने इस होडल क्षेत्र को आज जो विकास की दृष्टि से हरियाणा के सबसे निचले स्तर पे आ रहा है, अगर हम एकजुट हो जाएं, मुट्ठी बांध के तैयार हो जाएं, तो हमारा ये क्षेत्र हरियाणा की नंबर वन विधानसभा बन सकता है, बशर्ते हमारे को अपनी थोड़ा सोचने का तरीका भी बदलना होगा जी। हम उस चीज से बचें कि आज हम सोच लेते हैं कि भैया यहाँ पे तो पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है, यहाँ तो गंदगी इतनी ज्यादा है, सड़कें भी अच्छी नहीं है, थोड़े से पैसे आए नहीं कि भैया मैंने तो प्लॉट जो है गुड़गांव में ले लिया, मैंने फ्लैट जो है उधर ले लिया, कहीं ले लिया। ये मानसिकता बदलनी है। इस बार जरूरत है मुट्ठी बांध के सब एकजुट हो जाओ कि हमने अपने इस क्षेत्र को गुड़गांव से बेहतर बनाना है, रोहतक से बेहतर बनाना है, हिसार से बेहतर बनाना है, वो भी हरियाणा के ही हिस्से हैं, जब काम वहाँ पे हो सकते हैं यहाँ क्यों नहीं हो सकते। सिर्फ जो कमी रही है आज तक यहाँ पे चुने जाने वाले यहाँ के विधायकों की रही है कि उन्होंने अब तक आपके हक की बात विधानसभा में उठाई ही नहीं, क्योंकि जब कोई भी प्रश्न विधानसभा में पूछा जाता है, कोई बात उठाई जाती है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार वो कौन सी पार्टी की है, उसके ऊपर कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैं तो सर जो है अपने क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि ये जो है इन इस तरीके के जो हमारे घूम रहे हैं प्रत्याशी, जिनको कि आप पहले मौका कई बार दे चुके हैं, उनसे आप बचें। और जो जनमीनी स्तर पे जो है जिन्होंने काम किया है वहाँ आप जुड़ें। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूँगी कि ये जो बांसुरी है आपके दिलों की धड़कन, आन बान शान, हमारे श्री कृष्ण की भी जो है यही उनके जो है बांसुरी है जी। जब वो अपना दुष्टों का दमन करते हैं यही बांसुरी वो बजाते हैं। तो मेरा तो उनसे अपील है, ये जो हमारे को चुनाव चिन्ह मिला है, इतना पवित्र, इतना जो है अच्छा चुनाव चिन्ह भी मिला है और आप लोगों से जुड़े भी रहे हैं, तो इसकी आन बान शान बनाए रखिएगा, कहीं इसको झुकने ना दीजिएगा। हाँ, ये मेरा आपसे वादा है कि आपका एक एक वोट मेरे ऊपर कर्जे के रूप में रहेगा। हे परमपिता परमात्मा, मुझे इस लायक बनाना कि मैं आपका ये कर्जा सूद समेत वापस कर सकूं। चलिए, तो ये थी नवीन रोहिला जो कह रही है कि होडल का आन बान शान, इसके साथ अपनी बांसुरी जो उनका सिंबल है उसको जोड़ रही हैं, और साथ साथ ये भी कह रही हैं कि देखना ये होगा कि जो लोग 3 और 4 दशक तक जनप्रतिनिधि रहे, क्या उनको दोबारा मौका दिया जाए या किसी नए चेहरे को। ये चुनावी यात्रा है, चुनावी परिक्रमा है, 3 तारीख तक लगातार जारी रहेगी, 5 तारीख को मतदान होगा और हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, 8 तारीख को सबसे पहले नतीजे भी आपको बताएंगे। इसी प्रकार के कार्यक्रम और ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना।